तो मास्टर साहब कहन के अधिकारी पैसा लाया थी। ओ महाजी कपड़ा हमका चाहिए, अधिकारी हमका चाहिए, अब फिर जब अध्यक्ष उनका चाहिए, मास्टर हमका चाहिए, तो फिर कहाँ बचा पैसा। क्या इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर, कमीशन खोरों के ऊपर सत्ता की कलम चलेगी या यूं ही ये बच जाएंगे? जनपद बांदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षा विभाग के आला अधिकारी सामने नजर आ रहे हैं। इसमें प्रधानाध्यापक ने उच्च अधिकारियों से लेकर के नीचे स्तर तक कमीशन खोरी की बात बताई है, जहां शासन बच्चों के ड्रेस के लिए 300 रुपया मुहैया करवाती है, वहीं भ्रष्टाचारियों द्वारा कमीशन खा लिया जाता है। जो नौनिहाल बच्चों का भविष्य है, जिसके लिए तमाम व्यवस्था बनाई गई है, मिड डे मील हो, चाहे वो कपड़ों की व्यवस्था हो, चाहे जूता मोजा की व्यवस्था हो, मगर ये कमीशन खोर अपनी कमीशन खोरी के चलते, अपनी दुष्टता के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर कब इन पर हंटर चलेगा, कब जिला प्रशासन चेतेगा, कब सूबे की योगी सरकार व शिक्षा मंत्री इन ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल सामने है। जनपद बांदा से नत्थू पटेल की रिपोर्ट। कितने बच्चे होंगे अभी जिनको नहीं मिला? काफी लोग। कौन से विद्यालय पढ़ते हो? तीन। कौन से किस गांव का विद्यालय है? अपने मनमानी तरीके से क्यों कर रहा है? मन नाम लिखी नहीं है, हम नहीं रहा अपन मन ते लिखी ही ना। तो मतलब ये अपने फर्जी मनमानी तरीके से समिति गठन कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने मतलब के लोगों से। क्या नाम है आपको? विद्यालय में एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि ड्रेस के मामले को लेकर कि उसमें अध्यापक पैसा मांग रहे हैं, बता रहे हैं अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है। क्या है इसका पूरा मामला और ऐसा क्या बोले? अरे एक दिन कपड़ा बांटत रहे हैं, हम दो चार आदमी आवा तो मास्टर साहब से कहावा कि क्या समस्या है, तो मास्टर साहब कहें कि अधिकारी पैसा लाए थे, तो वो जो वीडियो बनाई थी वो पूछा जा रहा, तो वो कहे तो मास्टर साहब स्वयं कहें कि 10-20 हमको चाहिए, अधिकारी मांगे थे, तब वो यहाँ कहे कि मैं अधिकारी के एडी नहीं गया, तुम बदलन के बतवाओ, तो कहा तुम्हारे ऊपर दबाव में है, हमारे ऊपर दबाव है, बिना अधिकारी पैसा नहीं मान लिया, हमसे ले लिया थी 10-20 का हमें चाहिए, वो दिन साहब के सामने कहे नहीं आई, यूँ रहे पूछो सब जगह सामने कहे नहीं, मतलब वो वीडियो बताओ थे खुद भाई, यहाँ समस्या है। अब समित चुने नहीं, हर जैन का बुलाए नहीं, सबको बुलाए नहीं, मैं पूरे गांव दिग्गी बजवाए नहीं, फिर को कहे हर जैन को तुम्हें को बुलावा, हम चले गए वापस, अब वही क्या दस्तखत का जब घन घन रोड रजिस्टर लगे जाए दस्तखत कराओ, अब एक महिला कह के वहाँ मुझे बताया कि कपड़ा खाते दस्तखत कराए, वही समित में ना समित में दस्तखत करा लें, वो कहा जी मैं अभी आपकी मैं समित कह जाऊँगी समित में मैंने आऊँ मदद करना ही है। क्या दस्तखत फर्जी किए गए हैं? ऐसे हम ना चढ़ा ले कहा आप दस्तखत करो, मैं कभी फर्जी दस्त ना भरे ना, तो कैमरे हर जन किया अभी तीनों बताए नहीं कि ये कपड़ा के बहाने करा लेनी है, समिति का गठन क्या सभी की सहमत से नहीं हुआ क्या? नहीं सभी की सहमत से, दीदी बाजार सबको बुलाए तो उन्हें कह देंगे कि तुम्हें को बुला के उन्हें उन्हें चल गई हैं हर जन, अब फिर उनका बिना हर जन भरे बरत में है, जगजाहिर कही थी, जगजाहिर का जगजाहिर कही थी कि तुम्हें को बुला तो हम जाएगा उधर कहे, अच्छा तो इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद चल गए, फिर हरजन ही ने भर रहा था, वो इनके ना भर ले, अब उनसे दस्तखत कराओ थे ले रहे जितना जाति है तो दस्तखत नहीं करती है, अब उल्टा सीधा पढ़ा के दस्तखत कराओ थी कितना बड़ा ना दिया का, तो वह दस्तखत कह के जाएंगे कपड़ा ले गए, ये समस्या है। मास्टर आ कटो ये कही कटो डू यही कटो उठे नहीं, अब आजे जाकर दो विद्यालय में एक एक है बस होगा, अब मास्टर है डू डू यहाँ दो दो अध्यापक है, हाँ दो अध्यापक यहाँ, दो अध्यापक यहाँ मौके में एक एक है, आज भी एक अध्यापक आज भी अभी एक यहाँ भी एक है वहाँ भी एक है, तो क्या हमेशा इसी तरह होता हमेशा है? हमेशा इसी तरह डेली
एक ही अध्यापक आते हैं, दो दो चार चार दिन बोल रहे थे, बस हाजी बराबर चल रही है। अभी देखो इनकी दोनों की हाजी भर गई होगी, जाते समय हाजी भर दिया फुल, कोई छुट्टी नहीं। अब हमारे यहाँ वो चल रहा है इसी तरह, न प्रधान है न कोई वो है, बस इसी तरह अधाधुन सरकार चल रही है हर चीज में। तो यहाँ काफी बच्चों को कपड़े नहीं मिले होंगे अभी तक? काफी बच्चों को नहीं, पिछले साल भी काफी बच्चे शेष रह गए हैं, जो बाकी राज्य आता पैसे भी आता उसको भी नहीं वितरण करते, अपना सदस्य अपना अध्यक्ष, इसीलिए तुरंत अपने आदमी को बुला करके जो चार आदमी बुला सब लिखा देते हैं, एक आदमी लिखा देता है सबको, फला को लिख लो ढेका को लिख लो, दस का तब बुला बुला करवाते हैं। फिर पर ये समस्या है यहाँ चल रही है, मनमानी तरीके से, मनमानी तरीके से। कौन सा गाँव है, कौन सा विद्यालय है? जाखी प्राथमिक विद्यालय जाखी। आपका नाम? देव प्रसाद यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत। चल मोड़ से बात करें, बका मोड़ से बात कर रहा हूँ। चल ठीक है, पचास रुपया तो वो माँ जी कपड़ा हमका चाहिए, अधिकारी हमका चाहिए, और फिर जो अध्यक्ष उनका चाहिए, माता हमका चाहिए, तो फिर कहाँ बचा पैसा? कितना होता है लड़कन का? 200 रुपया एक सेट का। अधिकारी कितना लागे था? अधिकारी अब कहीं की भरा रजिस्टर मंगावा, अब वो चेक करे थे। पैसा कितना लेते हैं? पैसा अब भाई आपको लड़कन के हिसाब से तो लिया था अधिकारी। हाँ गिनती के अनुसार ले जाते, लड़का है स्कूल में इतने को गुणा कर दिया। कई रुपये लड़का लेते थे? 10-20 रुपये लड़का ले लिया। 20 रुपये लड़का लेते थे? तो 20 रुपये में कहा बात हुई, बहुत है ना, हुआ तो हर स्कूल से थोड़ी हो जाता। कम अधिकारियाँ ले थे 20 रुपये? अब अभी डी ओ लिया था, वी आर सी लिया था, कलेक्टर लिया था, कौन कौन तो लेते हो यार? नहीं तो कहाँ के अधिकारी ले थे कि अपने अधिकारी बन के ले थे? हम पंचन का भाई हम ले लिए थोड़ी बहुत, अपना कितना ले थे?